एयरलाइन ने बताया है कि फ्लाई दुबई का बाकायदा शेड्यूल 20 मई तक मनसूख रहेगा। एयरलाइन ने वाज़ेह किया कि खसूसी परवाजें जिसका ऐलान हुकूमत करेगी इस अरसे के दौरान ज़ायरीन और रिहायशियों को वतन वापस जाने के लिए दस्तियाब होंगी। अरबी रोज़नामा अमारात अल यौम के तर्जुमान के मुताबिक टिकटों की बुकिंग को हमारी वेबसाइट पर आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। हम इस सूरत हाल पर करीबी निगरानी कर रहे हैं। फ्लाइट की तौसी में किसी भी तब्दीली को अपडेट कर दिया जाएगा। दुबई में नौजवानों की स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के कवायद की खिलाफ वर्जी। कौमी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के इकदामात पर अमल ना करने पर नौजवानों के एक ग्रुप को दुबई पुलिस ने पकड़ लिया। ये अफराद अरबर्शा पुलिस स्टेशन के दायरे अख्तियार में एक मकान पर जमा हुए थे। थाने के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल रहीम बिन शाफई ने बताया कि उन्हें इस अहद पर दस्तखत करने के लिए पाबंद किया गया था कि वो खिलाफ वर्जी दोबारा नहीं कर सकते हैं। पुलिस 2020 के 38 के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है, जो कोविड-19 के फैलाव से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में सरकारी वकील के ज़रिए जारी किया गया है। अगर ये नौजवान दोबारा इज्तिमा का अहतमाम करते हैं, चाहे वो किसी भी अवामी जगह पर हो या निजी फॉर्म में, तो उन पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा हर शरीक पर 5,000 दिरहम जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस 7 अमवात का ऐलान। मुल्क में 27,000 मजीद कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोविड-19 कोरोना वायरस के 552 नए केसेस के साथ 100 अफराद के सेहतियाब होने का ऐलान किया है। वजारत ने मजीद बताया कि मुल्क में 27,000 कोविड-19 टेस्ट हुए हैं और इसके साथ 7 हलाकतों की भी तस्दीक की है। इसके साथ ही मुल्क में केसेस की कुल तादाद 12,481 जबकि सेहतियाब अफराद की तादाद 2,429 है और अमवात की तादाद 105 हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात आपका दूसरा घर है। शेख मोहम्मद का एक्सपेक्ट्स के नाम पैगाम। अबू धाबी के वलीहद शहजादा और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्ला अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर अजमत शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने बुध के रोज़ शुरू होने वाली मजलिस मोहम्मद बिन जैद लेक्चर सीरीज़ के एक हिस्से के तौर पर एक बराह रास्त वर्चुअल गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये सब्र और बर्दाश्त के साथ चैलेंजों का मुकाबला करने का महीना है, जो हमें अपने अहदाफ के हुसूल में अज़्म और इरादे के साथ काम करने की तरगीब देता है। शेख मोहम्मद ने मजीद कहा कि हमें लोगों के मफाद और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सरमायाकारी करनी होगी। मैं ये पैगाम मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम शहरियों और इस सरजमीन पर बसने वाले बाशिंदों को देना चाहता हूँ जो इस वबाई उमूर से गुजरे हैं। हम ख्वाहिश करते हैं और मैं ज़ाती तौर पर ख्वाहिश करता हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारे बाशिंदे महसूस करें कि ये उनका दूसरा घर है। हम उन्हें उनके पहले घर में मुआवजा नहीं दे सकते, लेकिन ये उनका दूसरा घर है। ये बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा, बस हमें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। फ्रंट लाइन्स का शुक्रिया। शेख मोहम्मद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सेहत और हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन्स पर काम करने वाले बाशिंदों और रिहायशियों से कहा कि पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने तमाम लोगों के साथ। ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% डिस्काउंट का ऐलान। डिस्काउंट स्कीम 3 माह के लिए है। शारजा की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बुध के रोज़ ऐलान किया था कि जिन लोगों पर 31 मार्च 2020 से पहले जुर्माने आयद किए गए थे, उन्हें जुर्मानों पर 50% रियायत मिलेगी। डिस्काउंट स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होगी और 3 माह तक के लिए चलेगी। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अथॉरिटी ने तमाम गाड़ी चलाने वालों से रियायत स्कीम से फ़ायदा उठाने का कहा और बताया कि तमाम जुर्माने SRTA की सरकारी वेबसाइट पर अदा करने होंगे। खुदकुशी की कोशिश। दुबई पुलिस ने खातून को बचा लिया।
दुबई पुलिस ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर बीवी को बचा लिया। ताहम देर होने की वजह से शौहर को ना बचाया जा सका। अरबी रोजनामा अल बयान के मुताबिक एक एशियाई शख्स ने 9 साल बच्ची के साथ थाना नाइफ का दौरा किया। इसने पुलिस को बताया कि वो बच्ची इसकी पोती है और इसका बेटा और बहू कई घंटे कबल इसके पास छोड़ गए थे और वो अपने बेटे से राबता नहीं कर पा रहा था। पुलिस अलरफा में वाक़े एक अपार्टमेंट में पहुंची, जहां गैस फैलने की बदबू आई। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां शौहर मुर्दा हालत में पाया गया जबकि बीवी की सांस चल रही थी। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसे इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल किया गया था। होश में आने के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो कुछ नफसियाती मसाइल से दोचार थे, इसलिए अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का फैसला किया था। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा।